आपको जिला अध्यक्ष चुना गया है जी, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और बिप्लव देव जी हमारे हरियाणा के प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी और सुभाष बराड़ा जी का मैं दोबारा मेरे को जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली गई है उसको मैं तन मन धन से गांव में गली में मोहल्ले में घर घर जा कर के पार्टी की नीतियों नीति का प्रचार करूँगा और जो उन्होंने मेरे से अपेक्षा की है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जी दूसरी बार जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहना चाहिए? आज जिला कार्यालय में और पूरा जिला के अंदर बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा माहौल है। जो पिछले प्लान में प्रधान जी ने जिला अध्यक्ष रहे वो सभी के साथ मिलकर चले, चाहे वो युवा मोर्चा था, सभी मोर्चों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा और सभी के साथ आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े को सभी के साथ अच्छा तालमेल रहा, सभी खुश थे, इसीलिए उनका काम जबरदस्त रहा। पार्टी को उठाने के लिए जिला में दिन रात काम की, चाहे वो प्रदेश की बात करें, जहां ड्यूटी लाई नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोवा जी वहां पहुंचे और इसी को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी हाईकमान ने दोबारा से जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोवा जी को बनाया है और इस पर हम सब खुश है। जिला में जिला कार्यालय में उनका स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जो बहुत खुशी है और प्रधान जी को दोबारा अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। मैं जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो दोबारा भी हमारे यहाँ पर बलदेव ग्रोवा जी जिलाध्यक्ष बने हैं और मैं सभी जिला वासियों का और प्रदेश वासियों का और हमारी महिला की टीम से और युवा मोर्चा से सभी जगह से बधाई देती हूँ। दोबारा प्रधान बनाया गया है, मैं हमारे उच्च शीर्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी का, माननीय बराड़ा जी का, जो उन्होंने हमारे प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस एक छोटे कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान दिया, उसमें हमारा भी सम्मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।